आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा पर आतिशबाजी कर पार्टी मिठाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेताओं ने किया था श्री मोहन यादव जी के साथ पार्टी के लिए लंबे समय तक काम। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से बड़वाहा के विकास में जगी नई उम्मीदें। बड़वाहा प्रदेश के नए मुखिया के बतौर जैसे ही पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा हुई, नगर के भाजपाइयों में उत्साह की लहर दौड़ गई। विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने छात्र नेताओं के चेहरे पर रौनक छा गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ सन 1980 से 90 के दशक में नगर के अनेक छात्र नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं। वह उनका श्री यादव से सीधा संपर्क है। श्री यादव के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा पर नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, जितेंद्र सुराणा ने भाजपा नेताओं के साथ नगर के जयस्तंभ चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही एक रैली भी मैन चौराहे तक निकाली, जिसमें जिंदाबाद जिंदाबाद मोहन यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली में शामिल श्री यादव के पुराने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता गुरमीत सिंह भाटिया, बंटू, गुरविंदर सिंह अरोरा, श्याम शर्मा, लक्ष्मीचंद अमई, बाबूलाल अग्रवाल एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल व जितेंद्र सुराणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के पद पर श्री यादव के नाम ने प्रदेश में एक नया उत्साह का वातावरण निर्मित कर दिया। एक छात्र नेता के बतौर अपनी राजनीति शुरू करने वाले श्री यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाजपा संगठन में समर्पण भाव से मेहनत करने वाले को पार्टी हमेशा फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। श्री सुराणा ने कहा, मुख्यमंत्री श्री यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते बड़वाह के शासकीय कॉलेज को 10 करोड़ के नवीन भवन की सौगात दी एवं आगे भी बड़वाह के चहुमुखी विकास में उनका सहयोग सतत मिलता रहेगा। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी श्री मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री और श्री जगदीश जी देवड़ा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर हर्ष जताते हुए बधाइयां दी। इस अवसर पर भाजपा नेता कैलाश साहू, गणेश पटेल, शांतिलाल खंडेलवाल, रमेश राठौड़, निखिलेश खंडेलवाल, संजय मुंगथा, गुलबीर सिंह भाटिया मिड्डू, अंकित गुप्ता, पीयूष शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी शर्मा, प्रियंका कोठारी आदि भी मौजूद थे। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। के दशक में हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद की बहुत मजबूत टीम बड़वा में खड़ी की थी और उस टीम को खड़ी करने का पूरा श्रेय मोहन जी यादव को है। वो यहाँ निरंतर प्रवास करते थे, हम लोगों को वर्ग में, विभिन्न प्रशिक्षणों में, विभिन्न आंदोलनों में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने तक में उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है और हम लोगों को आज जहाँ पहुँचाया है वो मुख्यमंत्री जी के रूप में मोहन यादव जी जी हैं। उन्होंने अपनी सोच से, अपने प्रशिक्षण से हमको यहाँ पहुँचाया है। हमको बहुत खुशी है कि हमारे ऐसे साथी जिन्होंने हमारे साथ बैठकर काम किया है आज प्रदेश के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुँचे हैं। विद्यार्थी परिषद की 1990 की टीम बहुत बहुत गौरवान्वित है और हमको भरोसा है कि उनके नेतृत्व में बड़वाह क्षेत्र बहुत प्रगति करेगा और हम जो सब साथी आज विद्यार्थी परिषद में खड़े हैं ये मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचेंगे और बड़वाह के लिए विकास के द्वार खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को पूरा एक नया नेतृत्व दिया है, मुख्यमंत्री जी के रूप में मोहन यादव जी को दिया है और जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ल, तो ये पूरे मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र को नेतृत्व देने की पहल है पार्टी की। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिल करके और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश को पूरा नेतृत्व देंगे और यह अब स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का यह नेतृत्व तो बड़वा क्षेत्र को विकास को चार चांद लगाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। लोकसभा की बात